की लोलो करिश्मा कपूर ने हाल ही में बहुत ही प्यारा सा पोस्ट शेयर किया है अपने पिता रणधीर कपूर के लिए। उस पोस्ट में करिश्मा कपूर ने लिखा है, टू समवन हु हैज हेल्ड माय हैंड थ्रू आउट, माय पापा, माय लव, हैप्पी फादर्स डे। करिश्मा ने किस तरह से एंजॉय किया है अपने पिता के साथ ये बॉन्ड आप देख सकते हैं करिश्मा और रणधीर कपूर के साथ। वेल, सच है ये कि करिश्मा की हर मुश्किल घड़ी में उनके पिता उनके साथ खड़े रहते हैं। करिश्मा कपूर जो हूबहू अपने डैडी की तरह दिखती हैं, करिश्मा कपूर जिनके मुश्किलों में हमेशा उनके पिता उनके साथ खड़े रहते हैं, करिश्मा कपूर जिनके तलाक के वक्त भी वो उनके डैडी ही थे जो कि उनके साथ हमेशा खड़े थे। वैसे फादर्स डे के मौके पर करिश्मा अपने डैडी से कितना प्यार करते हैं आपको बता दें। वेल वेल वेल, अपनी मॉम और अपने डैडी की करिश्मा बहुत करीब है। बर्थडे पर ये तस्वीर भी उन्होंने अपने पिता की शेयर की थी। वेल, करिश्मा कपूर कैसे अपने पापा के साथ इंजॉय करती हैं ये मोमेंट तो आप देख ही सकते हैं। वैसे आपको पता हो ना हो, करिश्मा अपने पिता को अपना वैलेंटाइन भी मांगती हैं। करिश्मा के तलाक के वक्त भी जब संजय कपूर करिश्मा पर लगा रहे थे इल्ज़ाम, रणधीर करिश्मा के पिता ही थे जो उनकी मुश्किल घड़ी में उनका साथ दे रहे थे, उनके साथ खड़े थे। जी हाँ, करिश्मा कपूर के साथ उनकी बेटी के तलाक में रणधीर खड़े रहे। रणधीर करिश्मा की दूसरी शादी को लेकर भी कोई भी एतराज़ नहीं जताते हैं, लेकिन करिश्मा की दूसरी शादी को लेकर करिश्मा खुद ही तैयार नहीं हो पाई और करिश्मा ने खुद बताया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है दूसरी शादी में, लेकिन वो जब चाहे तो वो कर सकती हैं। रणधीर का कहना है कि वो अपनी बेटी की खुशियों के लिए हमेशा उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। ये कहना है करिश्मा के डैडी, डॉटिंग डैडी यानी कि रणधीर कपूर का, जो कोरोना वायरस से पीड़ित थे बीते महीने, उसके बाद वो घर पर अभी फिलहाल रह रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।